केमिकल काइनेटिक्स के एपिसोड 2 में हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। उस समय हमने एक फैक्टर की बात की थी टेम्परेचर या ताप। तब हमने कहा था कि जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, कि ताप बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग सामान्यतः बढ़ता चला जाता है। उस समय यह भी कहा था कि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो वो अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रिएक्शन रेट, यानी कि अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव, कि टेम्परेचर चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में अभिक्रिया वेग में क्या परिवर्तन आता है। इसको कुछ सिद्धांतों के द्वारा समझाया गया है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके द्वारा इनको समझाया गया है। उसमें सबसे पहला है टेम्परेचर कोफिशियंट थ्योरी या ताप गुणांक सिद्धांत। टेम्परेचर कोफिशियंट थ्योरी, ताप गुणांक सिद्धांत। अब इसको समझने की कोशिश करें। सामान्यतः ऐसा होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ता चला जाता है। यहाँ यह समझने की जरूरत है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसका यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा, उसकी अभिक्रिया की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही रहेगी। हाँ, जो चेंज आता है वो है उसके रेट कॉन्स्टेंट में, उसके जो वेग नियतांक है उसके मान में परिवर्तन आ जाता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी ये कहती है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उस अभिक्रिया का, उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाता है, साथ साथ उसके रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, यद्यपि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट रहता है। ऐसा माना गया है और ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि यदि किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसका रेट कांस्टेंट बढ़कर दुगुना या तिगुना हो जाता है। फिर बात को ध्यान से समझें, यदि किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़कर दुगुनी या तिगुनी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये समझें और आसान तरीके से कि जैसे कोई रिएक्शन हम करा रहे हैं पहले 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी रूम टेम्परेचर पर, उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने कितनी है। फिर उसी रिएक्शन को हम कराएं 35 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर, और फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने कितनी है। तो वो जो दोनों रेट कांस्टेंट निकलेंगे उनमें वो लगभग उससे दुगुना या तिगुना होगा, यानी कि 200 से 300% तक वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसका मैसेज भी लिख सकते हैं कि टी प्लस 10 अपॉन KT इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2 or 3। यहाँ KT क्या है? यहाँ है रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, और लगभग कितना हो जाएगा ये 2 or 3, यानी कि लगभग दुगुना से तिगुना हो जाता है। तो फिर इसको उन्होंने कैसे कहा? उन्होंने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस के तापांतर पर, फिर ध्यान से सुने, 10 डिग्री सेल्सियस के तापांतर पर दो वेग नियतांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको छोटे कम मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि ताप गुणांक क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। तो आप क्या कहोगे, क्या लिखोगे कि 10 डिग्री सेल्सियस के तापांतर पर दो वेग नियतांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। द रेशियो ऑफ टू रेट कॉन्स्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स सेपरेटेड बाई 10 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट। फिर ध्यान से सुने, द रेशियो ऑफ टू रेट कॉन्स्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स सेपरेटेड बाई 10 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट। इसे कहते हैं ताप गुणांक कहते हैं। तो ऐसा इस सिद्धांत के द्वारा समझाया गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे रिएक्शन में लिख रहा हूं 2NO+O2 = 2NO2। अब इस रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट, हम पहले इसको एक टेम्परेचर पर कराएं, फिर इसको इंक्रीज टेम्परेचर पर कराएं, तो उसकी वैल्यू 1 से कम आती है। इसका मतलब क्या? इसके मतलब को ध्यान से समझें
इसका मतलब इस रिएक्शन में ताप बढ़ाने पर रेट की रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। मैंने पहले भी कहा सामान्यतः ऐसा होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ताप बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये एक रिएक्शन लिखी है, इसमें जब हम ताप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। ऐसे समय में यदि हम टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू निकालेंगे KT प्लस टेन अपॉन KT की वैल्यू, तो वो एक से कम आएगी। इतना इस सिद्धांत में हमको लिखना है। इसकी लिमिटेशन समझें कि इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो होता क्या है कि जब कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो उन जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में नंबर ऑफ कोलिजन्स केवल 2-3% बढ़ते हैं। फिर ध्यान से सुने कि जब कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स यानी कि उनके अणुओं के मध्य जो टक्कर है उनमें केवल 2-3% की वृद्धि होती है, जबकि रेट कॉन्स्टेंट कितना बढ़ जाता है 200-300%, क्योंकि दुगने से तिगुना हो रहा है। तो फिर ये जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस ओनली बाय 2-3%, जब अणुओं के मध्य टक्कर केवल 2-3% बढ़ी है, तो वेग नियतांकों का अनुपात बढ़कर 200-300% क्यों हो गया, इसे समझाने में यह सिद्धांत असफल रहा। तो ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे वो है आरेनियस थियरी, आरेनियस का सिद्धांत। आरेनियस थियरी, अब इस आरेनियस के कुछ पॉस्टुलेट्स को पहले ध्यान से समझें, उसके बाद आगे बात करेंगे। आरेनियस ने कहा कि जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जितने भी मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं जो आपस में अभिक्रिया करेंगे, उनको हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, क्रिया कार्ड कह रहे हैं, वे सभी की सभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। फिर समझें कि जितने मॉलिक्यूल लेके चले वो सब के सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उनमें से कुछ अणु उत्पादों में परिवर्तित होते हैं, सभी नहीं होते। तो वे अणु, वे मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, जो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, उनको एक्टिव मॉलिक्यूल्स या सक्रिय अणु कहते हैं। तो सक्रिय अणु कौन हो गए? सक्रिय अणु वे हैं, वे अणु हैं, वे रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो अभिक्रिया कर प्रोडक्ट में या उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, सभी अणु नहीं होते। तो फिर इसका दूसरा पॉस्टुलेट क्या है कि ऐसे अभिकारक अणु, ऐसे रिएक्टिव मॉलिक्यूल जो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको उन्होंने पैसिव मॉलिक्यूल्स या फिर उन्होंने निष्क्रिय अणु कहा। तो पहला सक्रिय अणु समझना क्या पॉस्टुलेट, दूसरा क्या है निष्क्रिय अणु। तीसरा उन्होंने कहा कि जब कभी हम टेम्परेचर राइज करते हैं, जब कभी हम ताप बढ़ाते हैं, तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि ताप बढ़ाने पर जो पैसिव मॉलिक्यूल्स थे उनमें से भी कुछ क्या बन जाते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं इसको सीखो, उसके लिए उन्होंने एक टर्म दी जिसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण उन्होंने कैसे समझाया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो जब मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो वो कुछ एनर्जी अचीव करते हैं, उस एनर्जी बैरियर को पार करके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और उसे क्या कहते हैं हम, सक्रियण ऊर्जा या फिर हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो जब टेम्परेचर कम होता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए ये कोई टेम्परेचर और उस पर ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिफरेंस है इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, EACT से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। तो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद में ये इस एनर्जी बैरियर को पार करेंगे, एनर्जी बैरियर पार करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जब तक कि ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव नहीं कर लेते, सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी के लिए मान लीजिए हमने ये जो ग्राफ प्लॉट किया वो T1 टेम्परेचर पर किया। अब इसको टेम्परेचर को हम राइज कर देते हैं, ताप को बढ़ा देते हैं, तो ताप बढ़ाने से पूरा ये जो एक्टिवेशन कर्व है ये चेंज हो जाता है, और ये इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार चेंज हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ है, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। इसको इस तरह से बता सकते हैं, इसको यहां बता सकते हैं कि ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल यहां पहुंच गए, इतना चाहिए तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी रह गई। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। अब वो मॉलिक्यूल जो यहाँ थे, जो पैसिव मॉलिक्यूल थे, जो एक्टिवेशन एनर्जी को, इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पा रहे थे, वे भी अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, वैसे वैसे पैसिव मॉलिक्यूल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, और पैसिव मॉलिक्यूल एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, निष्क्रिय अणु जो सक्रिय अणु में परिवर्तित होंगे, तो वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाता है। तो आरहेनियस ने इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया, उन्होंने कहा डी एल एन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। इससे रिप्रेजेंट किया डी एल एन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये रेट कॉन्स्टेंट है, ये टेम्परेचर को बता रहा है, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एल एन के इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर और डी टी अपॉन टी स्क्वायर। इस डी टी को इधर ले आए तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर ले, एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्स्टेंट है या आर कॉन्स्टेंट है ना, तो इसका तो क्या आएगा यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर और डी टी अपॉन टी स्क्वायर होता है माइनस वन अपॉन टी। तो यहां लिखा है यहां माइनस वन अपॉन टी और प्लस लॉग ए, इसको हमने इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के रूप में लिख लिया, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है, तो अब इसको हम यहां भी माइनस का साइन लगा सकते हैं, इसको इधर लिया है तो लॉग के अपॉन लॉग ए आ जाएगा, तो आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ के अपॉन ए इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर, यहां पर लिखें आर और माइनस यहां पर टी आ गया, ये माइनस को इधर लिख दिया और ये टी नीचे लिख लिया। इसका लॉग हटाएं तो जैसे ही इसका लॉग हटाएंगे ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये और के अपॉन ए इज इक्वल टू ई ए अपॉन ई ए टू पावर ई अपॉन आर। ही लॉग हटाया, इस टर्म का लॉग हटाया, ये एक्सपोनेंशियल टर्म में चला गया, तो के अपॉन ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, या के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के यहां पर रेट कॉन्स्टेंट, इसको हम डी एक्स बाई डी टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या पूर्व चर घातांक कहलाता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट और टी यहाँ पर टेम्परेचर है, इसको यहाँ पर टी को हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रिप्रेजेंट किया। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है आरहेनियस इक्वेशन की। आपसे पूछे आरहेनियस इक्वेशन क्या है, पहले आरहेनियस के पोस्टुलेट्स बताएं, आरहेनियस की क्या अवधारणाएं थी उनको बताएं, और उसके बाद आरहेनियस का ये मैथमेटिकल डेरिवेशन इतना समझा देंगे। धन्यवाद।